वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स अनमोल क्लासेज। मैं भानु आपका स्वागत करता हूँ अनमोल क्लासेज में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने दो तीन दिन पहले क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। तो इसी सीरीज में हम क्लास नाइन्थ का भी CBSE बोर्ड का बुक में बिल्कुल पैटर्न वाइज जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, सबसे पहले सारे एग्जाम्पल कराएंगे बुक के, उसके बाद बुक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो कराएंगे। इसके बाद जब आपकी NCERT बुक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद RD शर्मा और RS अग्रवाल के भी एडिशनल क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो बच्चों बने रहिए इस वीडियो में। अभी हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स चैप्टर वन। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। बच्चों इस वीडियो में केवल हम इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं, यानी कि नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों नंबर सिस्टम जब हम पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले हमें कुछ नंबर्स हैं उनकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। चलिए बच्चों एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो नंबर है बच्चों हमारा, वो है नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है? ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं बच्चों, जो कि वन से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आपकी काउंटिंग रहती है बच्चों, अनंत तक ये जाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेकंड नंबर आता है आपका होल नंबर। बच्चों जब शुरुआत में मैथमेटिक्स की कोई ऐसी कोई बात करें तो सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी तो समस्या क्या आ रही थी, जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो एक से स्टार्ट हो रही थी, हमारे पास जीरो नहीं थी। तो बच्चों ये अभी नंबर हमारे कंप्लीट नहीं थे, यानी कि होल नंबर नहीं थे, पूरे नंबर नहीं थे। तो इसके बाद बच्चों दूसरा नंबर आया होल नंबर। होल नंबर क्या कहता है बच्चों, ये भी एक काउंटिंग नंबर होता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम क्या, इसकी अच्छाई है बच्चों कि जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि आप ऐसे करके ले सकते हैं 0+ नेचुरल नंबर। यदि नेचुरल नंबर के अंदर आप जीरो को ऐड कर देते हैं तो बच्चों जीरो में आप नेचुरल नंबर ऐड कर देते हैं तो ये नंबर आपके होल नंबर हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीट नंबर बन जाते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा बच्चों होल नंबर, यानी कि हमारे होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, क्योंकि काउंटिंग नंबर हैं। इसी के बाद तीसरा हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर को बच्चों जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर की हम बात करें तो एक नंबर लाइन लेके चलें बच्चों हम, ये नंबर लाइन है। अभी क्या करना है कि हमें होल नंबर को उनके सेट के साथ में लगाना है। सेट के साथ में कैसे, जैसे हमने अभी इधर होल नंबर लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। तो अभी इधर हमने 1 लिखा है तो इसका सेट कैसे कंप्लीट होगा बच्चों, इसी का अपोजिट नंबर हम यहाँ लिख देंगे, जो हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4, -5। तो बच्चों आप एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये सेट कंप्लीट हो रहा है, 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, ऐसे करके ये दोनों का हम सेट बना देते हैं तो बच्चों ये पूरे नंबर हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। अभी इसमें भी क्या है बच्चों, थोड़ा सा ये वाले जो नंबर हैं जीरो से राइट हैंड वाले जो नंबर हैं इन्हीं को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो से जो लेफ्ट हैंड वाले नंबर होते हैं बच्चों इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, इसी के बाद आगे चलते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इसके बाद अपना हम नंबर को यदि डिवाइड करना चाहें तो नंबर बच्चों हमारे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर हमारे दो तरीके के होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं हमारे रियल नंबर, दूसरे प्रकार के नंबर रहते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों जो रियल नंबर है वो तो आप पढ़ेंगे क्लास टेंथ में, आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास टेंथ में पढ़ेंगे आप रियल नंबर,
और जो इमेजिनरी नंबर है बच्चों, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। तो बच्चों रियल नंबर क्या होते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में जो भी हम नंबर यूज करते हैं, -1, -180, 0, π, √2, √3, ये सभी नंबर हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो ये रियल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर को हम इमेजिनरी यानी केवल इमेजिनरी इमेज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जैसे -√2, कभी आपने माइनस में √2 नहीं देखा होगा, तो ऐसे नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। ये आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ने, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये आपको 11th क्लास में पढ़ने हैं, और रियल नंबर है ये आपको 10th क्लास में पढ़ना है। आगे चल करके बच्चों, जो आपका रियल नंबर है वो भी दो भागों में डिवाइड होता है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रियल नंबर भी बच्चों दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो होता है आपका रेशनल नंबर, हाँ यदि आप समझ पा रहे होंगे, तो जिसके ऊपर ये आपका चैप्टर है वही नंबर, रेशनल नंबर। दूसरा इसका प्रकार होता है बच्चों इरेशनल नंबर। तो अभी मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसे नंबर बच्चों, अभी मैं ये चेक कर लेता हूँ कहीं कि नीचे से कट तो नहीं रहा है, हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रेशनल नंबर होते हैं बच्चों, उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या रहती है बच्चों, Q ≠ 0 होना चाहिए, यानी कि कोई भी नंबर हमने ऐसे लिखा 4/0, तो बच्चों यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ये बच्चों रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। हाँ 0/4 होगा, इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, यानी कि आपका डिनोमिनेटर वो 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूमिनेटर 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन यदि आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, एक कंडीशन और रहती है इसमें, P/Q एक को प्राइम नंबर रहते हैं बच्चों, यानी कि को प्राइम नंबर आप जानते होंगे कि P/Q में कॉमन फैक्टर ओनली 1 रहेगा, 1 के अलावा कोई दूसरा इनके बीच कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। अभी हम इरेशनल नंबर की बात करें तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं रूट के अंदर, ओ जैसे √1, √2, √3, √4 नहीं होगा बच्चों। √4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों √4 को मैं इससे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकता हूँ और 2 लिख सकता हूँ, और 2 कैसा एक रियल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, तो इसलिए इसमें जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनको नहीं लेंगे आप, √5 ले सकते हैं, √6 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं, √8 ले सकते हैं, लेकिन √9 आप नहीं लेंगे, क्योंकि √9 बच्चों 3 हो जाता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन है, अभी हम करने वाले हैं इससे आगे कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ आपकी एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी बुक का NCERT जो बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 1 है चैप्टर 1 का, और ये पेज नंबर 3 पर है आपकी जो NCERT क्लास 9th की बुक है, पेज नंबर 3 पर आपका एग्जाम्पल 1 दे रखा है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है बच्चों, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स गिव रीजन ऑफ योर आंसर, यानी कि इन स्टेटमेंट को आपको बताना है कि ये फॉल्स हैं या ट्रू हैं, और इसके साथ साथ में आपको अपना रीजन भी देना है आंसर का, ये क्यों आपको यस है और क्यों नो है या ट्रू या फॉल्स है। तो सबसे पहला नंबर है बच्चों, सबसे पहला आपका स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये कह रहा है बच्चों दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, एक तो नेचुरल नंबर और एक होल नंबर। ये कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बच्चों होल नंबर आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आगे चल जाए, और नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 आगे ऐसे करके चले जाते हैं। तो ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, तो मैंने कहा मैं होल नंबर में से 4 उठा करके देखता हूँ, तो मेरा 4 होल नंबर है तो 4 नेचुरल नंबर भी है, भाई ये बात तो ठीक हो गई। बात को समझना बच्चों, मैं डायरेक्ट आपको आंसर का टिक नहीं लगवा रहा हूँ, ये सही है ट्रू है ये फॉल्स, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो बात को। तो दूसरा नंबर देखते हैं 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी, इसका मतलब जो होल नंबर है वही नेचुरल नंबर, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो। आगे चलो 2 को मैंने देखा, 2 यहाँ भी है
और यहाँ भी है, वन को देखा यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ तक तो बात ऐसी थी जो होल नंबर थे वही नेचुरल नंबर थे, लेकिन मैं जीरो पर आया, जीरो मेरा होल नंबर है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे कहीं जीरो दिख रहा है क्या? तो ये कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि जीरो हमारा होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका यही रीज़न हो जाएगा बच्चों, आप लिख देंगे जीरो इस, इसके सामने लिखेंगे सबसे पहले तो आप इसको फॉल्स लिख देंगे, इसके बाद रीज़न लिखेंगे आप जीरो इज आ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। जीरो हमारा होल नंबर तो है लेकिन बच्चों नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए बच्चों फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड करते हैं एवरी इंटीजर इज आ रेशनल नंबर। देखिएगा बच्चों इसको मैं मिटा देता हूँ, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर आप जानते हैं बच्चों माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ये सभी आपके इंटीजर्स हैं। तो ये कह रहा है बच्चों एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर तो वो होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें। तो क्या इन सभी नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं? माइनस थ्री को हम माइनस थ्री अपॉन वन ले सकते हैं, माइनस टू को माइनस टू अपॉन वन ले सकते हैं, माइनस वन को माइनस वन अपॉन वन ले सकते हैं, जीरो को जीरो अपॉन वन ले सकते हैं, वन को वन अपॉन वन ले सकते हैं, टू को टू अपॉन वन ले सकते हैं, थ्री को थ्री अपॉन वन ले सकते हैं। यानी कि सभी नंबर के नीचे हम डिनोमिनेटर में वन लगा सकते हैं। तो ये सभी नंबर हमारे रेशनल नंबर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? आप कहोगे हाँ सर जी बन जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ट्रू, ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। आगे है बच्चों एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अभी यहाँ पे ये उल्टी बात कर रहा है, अभी इसने ऊपर वाले में कहा एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये बात तो इसकी सही है, लेकिन अब ये उल्टा बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, वही बात सही हो और उसको उल्टा करके बोला जाए तो वो सही नहीं हो सकती। आंसर तो उसका फॉल्स है, लेकिन अभी इसको समझो कैसे, आंसर तो उसका फॉल्स है। तो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो मैंने कहा बच्चों मैंने लिखा माइनस फोर अपॉन थ्री या फोर अपॉन थ्री या फाइव अपॉन सेवन, ये सभी बच्चों रेशनल नंबर हैं। ये क्या हैं बच्चों? रेशनल नंबर हैं, लेकिन ये मेरे को ये बताइए क्या ये इंटीजर हैं? क्या ये इंटीजर हैं? तो ये बच्चों इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर की बच्चों एक खासियत होती है, इंटीजर की एक खासियत होती है कि इंटीजर हमेशा होल नंबर में पाया जाता है, वो इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं पाया जा सकता। यानी कि इसका हम रीज़न लिख देंगे बच्चों, इसको मैं बता देता हूँ, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका यहाँ से लिखेंगे रीज़न, बिकॉज रेशनल नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन व्हाट इंटीजर कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि इंटीजर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये था बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अभी इसके बाद करने वाले हैं बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर टू। ये है बच्चों आपके सामने एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू है बच्चों फाइंड द फाइव रेशनल नंबर। आपको पांच रेशनल नंबर निकालने हैं, किस किस के बीच में बच्चों? वन और टू के बीच में आपको पांच रेशनल नंबर निकालने हैं। तो बच्चों इसके हमारे पास दो तरीके हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे मेथड वन। तो फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों? देखो वन हमारे पास दो नंबर हैं, वन और टू, इन दोनों को बीच में हमें पांच नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और दो से डिवाइड लगा देंगे, तो इनके बीच वाला नंबर निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने वन प्लस दो को ऐड किया और इसमें दो का भाग लगा दिया, तो ये क्या आया बच्चा? थ्री अपॉन टू, ठीक है। तो इनके बीच वाला नंबर ये आ गया एक, थ्री अपॉन टू। अभी हम क्या करेंगे बच्चों,
थ्री अपॉन टू और वन को ऐड करेंगे, फिर से दो का भाग लगा देंगे। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों, वन प्लस थ्री अपॉन टू को ऐड करेंगे और इसमें दो का भाग लगा देंगे। यहाँ पे इसके एक मानेंगे तो आगे क्या आएगा ये सॉल्व होकर के, ये आया आपका टू बन जाए टू और ये फाइव अपॉन टू अपॉन टू, ठीक है। तो ये टू अपना ऊपर पहुँच जाएगा तो ये आ जाएगा आपका टेन अपॉन टू, नहीं ये गलत हो गया आपका, सॉरी इसको ऐसे करेंगे, सेकेंड स्टेप को दोबारा से करेंगे, वन प्लस थ्री अपॉन टू और इसको जोड़ करके दो का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसके नीचे एक मान लेंगे, पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन को करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे दो आ जाएगा, तो एक का भाग लगाया दो में तो दो बार, ठीक है, दो का लगाया एक बार तो तीन, तो ये ऊपर तो आ जाएगा फाइव अपॉन थ्री और नीचे एक ये दो ये वाला चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि टेन अपॉन थ्री हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर निकल के आएगा बच्चों टेन अपॉन थ्री। अभी हमें क्या करना है कि टेन अपॉन थ्री और वन को ऐड करेंगे तो इनके बीच में यहाँ पर एक और नंबर निकल के आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि वन और टेन अपॉन थ्री को ऐड किया और उसमें दो का भाग लगा दिया, ठीक है। तो इसके नीचे बच्चों एक मान लेंगे, तीन एकम तीन और तेरह बट्टे तीन अपॉन दो, ये दो उठ करके इसके साथ में चला जाएगा तो ये आपका नंबर बनेगा 26 अपॉन थ्री। तो यहाँ पे एक नंबर आ गया बच्चों 26 अपॉन थ्री। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने वन और इसको जोड़ा, इसके बीच के नंबर निकाले, थ्री अपॉन टू और टू को हम छोड़ेंगे तो इसके बीच में भी नंबर निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम फोर्थ स्टेप में क्या करने वाले हैं, थ्री अपॉन टू प्लस दो को जोड़ने वाले हैं और दो का भाग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो टू टू जै फोर, ये प्लस की फ्रैक्शन आप कर लेना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो टू टू जै फोर और ये सेवन अपॉन टू अपॉन टू, तो ये वाला टू ऊपर पहुँच जाएगा तो ये जाएगा फोर्टीन अपॉन थ्री अपॉन टू प्लस टू आप जोड़ रहे हैं तो टू टू जै फोर और सेवन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा आपका फोर्टीन अपॉन टू। तो इसके बीच में भी ये नंबर निकल के आएगा बच्चों आपका फोर्टीन अपॉन टू। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे थ्री अपॉन टू और फोर्टीन अपॉन टू को, तो एक और नंबर निकल के आ जाएगा बच्चों आपका। ये सबसे हार्ड तरीका है, इसके बाद में सेकेंड मेथड में आपको सरल तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, आपको थ्री अपॉन टू और फोर्टीन अपॉन टू इसको जोड़ना है, फिर इसमें दो का भाग लगाना है, तो ये आ जाएगा आपका सेवनटीन अपॉन टू, इसमें दो का भाग लगाना, दो ऊपर पहुंचेगा तो थर्टी फोर अपॉन टू, तो ये नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा थर्टी फोर अपॉन टू। तो ऐसे करके ये बच्चों आपके पाँच नंबर निकल गए, लेकिन ये मेथड बच्चों मैं आपको रेफर नहीं करूँगा क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा हार्ड है, इसके लिए मैं आपको सेकेंड मेथड बताऊँगा जो कि सिंपल है। सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर डालेंगे आप मेथड नंबर दो, आपके पास दो नंबर हैं वन एंड टू, इन दोनों के बीच में आपको पांच रेशनल नंबर निकालने हैं बच्चों। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना है इन दोनों का, टू आएगा, तो इसके नीचे टू लगाओ और इसके नीचे दो लगाओ, वन अपॉन टू वन अपॉन टू, अभी इनके बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं है, आपको पाँच रेशनल नंबर निकालने हैं। तो वन अपॉन टू में आप फाइव से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, टू अपॉन टू में आप फाइव से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये नंबर बनेगा बच्चों आपका, सॉरी सिक्स से कर दो, आपको पांच नंबर निकालने हैं तो एक संख्या ज़्यादा लेनी है, तो सिक्स अपॉन सिक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों सिक्स अपॉन ट्वेल्व और ये हो जाएगा हाँ ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व। तो अभी इनके बीच में हम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं बच्चों, देखो सिक्स अपॉन ट्वेल्व, अगला नंबर हो जाएगा सेवन अपॉन ट्वेल्व, एट अपॉन ट्वेल्व, नाइन अपॉन ट्वेल्व, टेन अपॉन ट्वेल्व और इलेवन अपॉन ट्वेल्व, तो ये आपके पांच रेशनल नंबर हो जाएंगे बच्चों इन दोनों के बीच में। तो देखिए कितना सिंपल तरीका है, ये आपका बुक का तरीका है जो कि हार्ड है थोड़ा सा, और मैं इसको रेफर नहीं करना चाहूँगा, आप इससे करिएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अभी इसी के बाद हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर।